मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मंगलवार को सक्ती जिले के डबरा हाई स्कूल हेलीपैड में विधायक चंद्रपुर राम कुमार यादव और कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना ने आत्मीय स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नगर पंचायत डबरा में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शिलान्यास कर डबरा को करोड़ों रूपए के विकास कार्यो की सौगात दी। इच्छा तो थी कि सभी जिलों में जाकर, सभी स्थल पर जाकर भूमि पूजन और लोकार्पण करने की, लेकिन काम इतने अधिक हैं और समय इतना कम है कि हम लोग लोकार्पण भूमि पूजन करने जाएं तो समय बहुत लगेगा। और सामने में अब अक्टूबर के महीने में कभी भी आचार संहिता लग भी सकता है। बहुत कोशिश भी हम लोगों ने किया कि अन्य जिले में गए भी, लेकिन अब समयाभाव को देखते हुए कल से लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम हम लोगों ने वर्चुअली शुरू किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश को एक बार फिर से नए विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। विभिन्न विभागों के कुल 4,482 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। कल भी हमने 6,080 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया था। इस तरह केवल 2 दिन के भीतर में 10,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। इसके अलावा आज रायपुर में 1,021 करोड़ 59 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जानी है, जिसमें हम लोग अभी गृह मंत्री जी के साथ जाएंगे। तो कुल मिला के आंकड़े हैं 2 दिन का, 11,583 करोड़ रुपया। यदि पिछले 3 महीने की बात की जाए, इन 3 महीनों में बस्तर से लेकर सरगुजा तक 36,000 करोड़ से अधिक की राशि का विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से 16 विभागों के 2718 कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। 2,372 करोड़ रुपए के 1,122 कार्यों का भूमि पूजन, 1,711 करोड़ रुपए के और 1,532 कार्यों का लोकार्पण और 398 करोड़ रुपए 64 लाख रुपए का शिलान्यास इस कार्यक्रम में शामिल है। इसमें अपेक्स बैंक है, ऊर्जा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग, गृह विभाग, क्रीड़ा आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, परिवहन विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नए कार्यों को आज इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। ये सभी कार्य ऐसे अधिसंरचनाओं के निर्माण से संबंधित है जो जन सुविधाओं को बेहतर बनाएंगे। इन कार्यों का सीधा संबंध हमारे आर्थिक विकास से भी है। पिछली सरकार के 15 साल के कार्यकाल में राज्य के अधोसंरचना निर्माण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा इतने कार्य नहीं हुए जितने हमारे सरकार ने केवल 5 वर्ष के में कर दिखाया है।